हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, वो भी विदाउट रूट एंड विदाउट कस्टम रिकवरी विदाउट मैजिक मैनेजर। आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपको कोई एपीके भी इंस्टॉल नहीं करना है, तो आपको सिंपली कोई कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक थीम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आपको सिंपली उस थीम को डाउनलोड कर लेना है। और उस थीम को आपको डाउनलोड करने के बाद आपको उसे किस तरीके से यूज़ करना है, आपको कैसे वनेबल करना है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके मोबाइल में iOS की चार्जिंग एनिमेशन अनेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इंट्रो प्लस UI थीम को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस थीम को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस थीम को किस तरीके से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली थीम को एक फोल्डर में आपको डाल देना है। फिर आपको सिंपली MIUI थीम एडिटर ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको सिंपली ब्राउज़ में जाना है और आपने वो थीम जहाँ पे की हुई है आपको सिंपली सिलेक्ट करके सिंपली आपको ओके पे टैप कर देना है। फिर आपको सिंपली स्टार्ट पे टैप कर देना है और स्टार्ट पे टैप करने के बाद आपको इसमें कुछ एड्स देखने को मिलेंगे सिलेक्ट टू एडिट, तो आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। फिर आपको सिंपली प्लीज वेट, बिल्डिंग थीम होगी, फिर से ये ऐड आएगी, तो आपको सिंपली पूछेगा योर थीम हैज बीन सेव्ड, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, तो आपको सिंपली टैप ऑन इंस्टॉल करना है इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए। फिर आपको अपना थीम मैनेजर ऐप खोलना है, मतलब कि आपको अपने मोबाइल में थीम्स ऐप को खोलना है, जो भी आपके मोबाइल में थीम्स ऐप है, तो आपको सिंपली थीम्स ऐप खोलना है। फिर आपको सिंपली माई थीम्स में आपको जाना है, आपको सिंपली अपनी थीम्स में जाना है और थीम्स में आपको अप्लाई मी की ये वाली थीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली इस तरीके को अनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरी की पूरी थीम अच्छी नहीं लगती है तो आप केवल इसमें लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करके इस थीम को लगा लीजिए, तो ये थीम आपकी केवल लॉक स्क्रीन में ही चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, इस थीम को लगाने से अब आपकी जो है वो चार्जिंग एनिमेशन iOS जैसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें चार्जिंग एनिमेशन मेरी सक्सेसफुली iOS जैसी हमें इसमें देखने को मिल गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो थी आज की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाना।